हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगी जिस तरीके से हमारी ये नेल पेंट सूख जाती हैं तो उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। और ये मेरी सबसे फेवरेट वाली नेल पेंट है, तो ऐसे ही हम इनको फेंक देते हैं। तो इस सूखने के बाद हम इसका किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जिस तरीके से हमारी पहले नेल पेंट थी उसी तरीके से हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं। और ये मेरी लिपस्टिक है लोटस की, तो लोटस की तो थोड़ी महंगी आती हैं, तो ये मेरी लिपस्टिक है वो टूट गई है, तो मैं इसे किस तरीके से दोबारा से यूज कर सकती हूँ। ये मेरी टूट गई थी तो मैंने इसे रेफर में ही रख दिया। ये देखिए, ये मेरी टूटी हुई लिपस्टिक है, तो मैं इसका किस तरीके से पहले जैसी इसे बना सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिपस्टिक को ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी एक प्लेट ली है, माचिस चाहिए मुझे, एक मोमबत्ती चाहिए, और ये लिपस्टिक चाहिए, और इसका रेफर चाहिए। तो जो सबसे पहले हमारी ये लिपस्टिक टूटी हुई है उसे हम इस कटोरी में डाल देंगे इस तरीके से, और माचिस से हम मोमबत्ती को जला लेंगे। अब हम मोमबत्ती को नीचे रखेंगे इस तरीके से, और जो हमारी लिपस्टिक वाली कटोरी है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे, और इस जो हमारी ये लिपस्टिक है उसे हम मेल्ट करेंगे। तो ये देखिए, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी ये लिपस्टिक ठीक हो जाएगी पहले जैसी बिल्कुल। तो इस तरीके से हम इसे मेल्ट कर लेंगे, ना इसे गर्म करने से ना ही इसका कलर में कोई इफ़ेक्ट होगा और ना ही ये ख़राब होगी। ये बिल्कुल पहले की जैसी हमारी ये लिपस्टिक बन जाएगी। तो ये देखिए, मेरी लिपस्टिक पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। तो मोमबत्ती को हम साइड से कर देंगे, और जो हमारा लिपस्टिक का ये रैप है, तो जो हमारी लिपस्टिक है उसे हम सबसे नीचे कर लेंगे इस तरीके से। जो हमारी ये लिपस्टिक है इसे हम सबसे नीचे कर लेंगे, और ये लिपस्टिक जो हमने लिक्विड बना लिया है इसे हम इसी के अंदर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर ये पूरा लिक्विड है इसमें डाल दिया है इसके रेफर में। तो ये देखिए, पूरा लिक्विड मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब हम एक बाउल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कटोरी ली है और इसमें एकदम ठंडा पानी लिया है, तो इसे हम इसी तरीके से रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो हमारी लिपस्टिक बिल्कुल पहले की जैसी बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पर एकदम चिल्ड पानी लिया है, आप इसमें बर्फ़ के क्यूब्स भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसे तो हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे जिससे कि अच्छे से जम जाएगी। अगर आप इस लिपस्टिक का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं जो आपकी लिपस्टिक हो। आप इसका शेड और उसके शेड को इसी तरीके से एक कटोरी में डालकर उसे भी आप मेल्ट कर सकते हो। तो थोड़ी देर हम इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो अभी मुझे एक ही मिनट हुआ है, और अब मैं अपनी लिपस्टिक को चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मेरी लिपस्टिक बिल्कुल पहले की जैसी हो गई है, जैसी मेरी पहले थी बिल्कुल वैसी हो गई है। ये देखिए, तो इसका शेप भी पहले की जैसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक चाकू लिया है, और उससे मैं इसे इस तरीके से काट दूंगी। तो ये देखिए, इसका शेप भी बिल्कुल पहले के जैसा हो गया है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मेरी लिपस्टिक बिल्कुल पहले के जैसी हो गई है। तो इस तरीके से आप टूटी हुई लिपस्टिक को आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ये बहुत आसान तरीका है। तो ये देखिए, मेरी लिपस्टिक बिल्कुल पहले के जैसी हो गई है। तो आपने देखा, मेरी लिपस्टिक बिल्कुल पहले के जैसी हो गई है। अब उसको मैंने बिल्कुल घर पर ही पहले के जैसा बना लिया है।
तो अब हमारी लिपस्टिक तो सही हो गई, तो अब बारी आती है हमारी नेल पेंट की। तो ये मेरी नेल पेंट है जो मेरी सूख चुकी है, यानी कि ये ढंग से लगती नहीं है। तो ये देखिए एकदम से ड्राई हो गई है ये इस तरीके से, तो ये लग नहीं रही है। तो इसी तरीके से मेरी ये वाली नेल पेंट भी ड्राई हो गई है थोड़ी, ये पूरी तरह से नहीं हुई है, ये थोड़ी सी ड्राई हुई है। ये देखिए ये थोड़ी सी ही ड्राई हुई है, ये बिल्कुल पहले के जैसी नहीं है। जैसे ये मेरी पहले आई थी वैसी थी मेरी ये नेल पेंट, तो वैसी नहीं है, थोड़ी सी ड्राई हुई है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसे हम पहले की जैसा किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये नेल पेंट ली है और ये मैंने थिनर लिया है, और थोड़ी सी हम कॉटन लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा थिनर डालेंगे इस तरीके से खोलते हुए, इसमें हम थोड़ा सा थिनर डालेंगे 3 से 4 बूंद। तो इस तरीके से मैंने इसमें थिनर डाल लिया है, तो इसे बंद कर देंगे। और इसी तरीके से हम इसमें भी थोड़ा सा थिनर डालेंगे, 3 से 4 ही बूंद डालेंगे। तो अब हम अपनी नेल्स पेंट को इस तरीके से सेक करेंगे और थोड़ा सा हथेलियों के बीच में रखते हुए इस तरीके से करेंगे, और थोड़ा सा हम इसे सेक करेंगे। इसी तरीके से हम इसे भी करेंगे थोड़ा सा सेक, और इस तरीके से हथेलियों के बीच में रखते हुए इसको सहलाएंगे इस तरीके से। अब भी आपको थोड़ी सी ड्राई लगे तो आप इसमें और थिनर भी डाल सकते हैं। तो अभी ये मेरी नेल पेंट थोड़ी सी ड्राई है, तो ये देखिए अभी थोड़ी सी ड्राई है, तो इसमें थोड़ा सा थिनर और डालती हूँ मैं। तो फिर से हम इसे सेक करेंगे। तो इस तरीके से मैंने इनको सेक कर लिया है। तो अब हम अपनी नेल पेंट को थोड़ा सा थिनर लेंगे कॉटन पे, और इस तरीके से इनको साफ कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, थोड़ा सा थिनर लिया था उससे। अगर आपको दूसरी नेल पेंट लगानी है तो आप इस तरीके से थिनर से इनको साफ कर सकती हैं कॉटन के ऊपर लेते हुए। तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। तो अब मैं इसे लगा के बताती हूँ कि हमारी नेल पेंट सही हुई है कि नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल पहले की जैसी हमारी ये नेल पेंट हो गई है, ये देखिए बिल्कुल पहले की जैसी हो गई है। तो ये मेरी थोड़ी कम सूखी थी, तो मैंने यहाँ पर कम डाला है इसमें थिनर, और ये मेरी ज़्यादा सूखी थी तो मैंने इसमें ज़्यादा डाला है। तो इसे भी मैं लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी दोनों नेल पेंट एकदम से बिल्कुल नई जैसी हो गई हैं, और इनमें चमक भी बिल्कुल बरकरार है जैसे पहले थी उसी तरीके से। ये देखिए बिल्कुल पहले के जैसी हो गई हैं। तो ये देखिए हमारी नेल पेंट भी बिल्कुल पहले के जैसी हो गई है, और हमारी लिपस्टिक भी। तो ये देखिए हमारी लिपस्टिक भी बिल्कुल पहले के जैसी हो गई है, और हमारी नेल पेंट भी बिल्कुल पहले के जैसी हो गई है, जैसे पहले थी बिल्कुल वैसे ही। तो आपने देखा मैंने टूटी हुई लिपस्टिक को और सूखी पड़ी हुई बेकार नेल पेंट को मैंने किस तरीके से बिल्कुल पहले के जैसा नया कर दिया है, वो भी सिर्फ मैंने 5 मिनट में।